अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये क्लास है 7th की और सब्जेक्ट हमारा जो है वो है इंग्लिश। आज हम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पोइट्री सेक्शन। नाम है इसका विंडोज। ये जो राइटर है ये वेस मैगी ने लिखा है। वेस मैगी इसके राइटर हैं। इसने अपने बारे में लिखा है, ये जो पोएम है ये बच्चों के बारे में ही है। विंडोज़ के माने हैं खिड़कियाँ। चलो अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखते हैं ये राइटर। ऑन द वे टू माई क्लास रूम आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर पास द हंड्रेड्स ऑफ बुक्स their picture jackets colorful and bright each one a window onto worlds I have never visited on the way to my classroom ye jo writer hai ye kehti hai on the way to my classroom I walked down the long corridor past the hundreds of books jo mera classroom tak jo मेरे क्लासरूम तक जो रास्ता जाता है, जब मैं उसकी तरफ उस रास्ते से चलता हूँ अपने क्लासरूम की तरफ जाता हूँ तो आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर, मुझे एक लंबी गली से गुजरना पड़ता है। कॉरिडोर एक लंबी गली जहाँ से वो गुज़रता है अपने क्लास में पहुँचता है। इस साइड भी क्लासरूम, एक साइड भी दूसरे साइड भी जो बीच में वो गली गुजरते है उसी को बोलते हैं कॉरिडोर। तो ये कहता है कि जब मैं उस बहुत ही लंबा जो कॉरिडोर है जो मेरे क्लासरूम तक जाता है, जब भी मैं अपनी क्लास में उस कॉरिडोर से जाता हूँ, आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर पास द हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, वहाँ हंड्रेड्स ऑफ बुक्स देखता हूँ मैं, बहुत सारी किताबें देखता हूँ। साइड में जो हैं वहाँ बहुत सी किताबें होती हैं, देयर पिक्चर जैकेट्स कलरफुल एंड ब्राइट, जिनका जो बाहरी कवर है उन किताबों का उस पर बहुत खूबसूरत तस्वीरें होती हैं, कलरफुल एंड ब्राइट, चमकीली खूबसूरत कलरफुल तस्वीरें होती हैं उन पे जो मैं देखता रहता हूँ। उन वो बहुत सारी किताबें होती हैं वहाँ। ईच वन ए विंडो ऑन टू वर्ल्ड आई हैव नेवर विजिटेड, हर एक किताब पे, हर एक जो है वो किताब उन पे वो खिड़कियाँ होती हैं, उन पे वो पिक्चर जैकेट्स जो होते हैं उनमें, उन किताबों में जो कुछ भी लिखा होता है उस दुनिया की मैंने कभी सैर नहीं की। उसमें क्या है, उनके अंदर क्या है वो मैंने कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर विजिटेड, वो जो दुनिया है उनके अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि वो क्या है उनके अंदर, उन किताबों में क्या है जो बाहर की जो पिक्चर जैकेट्स हैं उनके, जो उनके वो बाहरी कवर हैं बहुत ही कलरफुल हैं, रंगीन हैं, बहुत ही खूबसूरत कवर हैं उनके, लेकिन उनके अंदर क्या है वो मैंने कभी नहीं देखा। आई कैन सी एलिफेंट्स ऑन अ प्लेन इन अफ्रीका, ए जेट एयरलाइनर क्रूसिंग फॉर अबाउ द वाइट क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, आइसबर्ग्स एंड केव मैन फाइटिंग ए सेबर टूथ व्हाइल द फैमिली कवर्स इन ए केव। I can see elephants on a plain in Africa. मैं देख सकता हूँ जो हाथी हैं उनको मैं देख सकता हूँ प्लेन में, किसी मैदान में। ए जेट एयरलाइन क्रूसिंग फॉर अबो द वाइट क्लाउड्स, और जो ये जहाज़ हैं उनको मैं देख सकता हूँ वो ऊपर क्लाउड्स, बादलों के ऊपर से कैसे जा रहे हैं, कैसे तेज़ स्पीड में वो बादलों के ऊपर से जाते हैं। वाटरफॉल्स, आइसबर्ग्स एंड केव मैन फाइटिंग ए साइबर टूथ विद द फैमिली कवर्स इन केव, और वाटरफॉल्स में देख सकता हूँ, ये झरने देख सकता हूँ, आइसबर्ग देख सकता हूँ, वो बर्फ़ के तोदे, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि जो केव मैन है वो कैसे लड़ाई करते हैं उन टाइगर्स के साथ, और उनकी जो बाकी फैमिली होती है वो केव में एक घर में छुप कर बैठती है, डर के मारे वो अंदर की उन गार में बैठी, और जो केव मैन होता है वो उनके साथ लड़ाई करते हैं, टाइगर्स जो होते हैं साइबर टूथ उनके साथ वो लड़ाई करते हैं। सच प्लेसेस,
such worlds. Back in a classroom, there are windows looking onto a world I know well. बैक इन द क्लास रूम देर आर विंडोज लुकिंग ऑन द वर्ल्ड आई नो वेल. जब मैं वापस अपने क्लास रूम में जाता हूँ और वहाँ जो मेरे क्लास रूम की खिड़की है, ये राइटर अपने क्लास रूम की बात करता है, जब मैं उस खिड़की से देखता हूँ बाहर, अपने क्लास रूम की खिड़की से जब मैं देखता हूँ बाहर, तो वहाँ मैं सब कुछ जानता हूँ. वो जैसे लुकिंग ऑन द वर्ल्ड आई नो, उसके बाहर जो दुनिया मैं देखता हूँ अपनी खिड़की, क्लासरूम की खिड़की से बाहर जब मैं नज़र डालता हूँ, तो जब जो भी वहाँ चीज़ें हैं वो सब उनके बारे में जानता हूँ. आई सी द डेजर्ट प्ले ग्राउंड द ग्रे नवंबर स्काई. वहाँ से मैं जब देखता हूँ तो एक डेजर्टेड प्ले ग्राउंड है, वो प्ले ग्राउंड जहाँ कोई नहीं है, जो एक रेत का प्ले ग्राउंड है. द ग्रे नवंबर स्काई, और वो आसमान नवंबर में जो कलर होता है, जैसे उस उन दिनों सर्दी होती है तो अब्र आलूदा आसमान होता है, वो आसमान में देख सकता हूँ अपनी क्लासरूम की खिड़की से. रोज ऑफ हाउसेज एंड बियॉन्ड दीज द चिमनी ऑफ क्लोज्ड डाउन फैक्ट्री आई एम ऑलवेज विलिंग टू टेक द रजिस्टर. आई सी द डेजर्टेड प्ले ग्राउंड द ग्रे नवंबर स्काई रोज ऑफ हाउसेज एंड बियॉन्ड दीज द चिमनी ऑफ ए क्लोज डाउन फैक्ट्री. मैं देख सकता हूँ जो नवंबर का वो आसमान है उसका जो कलर है, एंड रोज ऑफ हाउसेज एंड बियॉन्ड दीज, और जो कतारों में हैं जो मकान है, वो उनकी कतारें मैं देख सकता हूँ, वो मकान देख सकता हूँ मैं सब. एंड द चिमनी ऑफ क्लोज डाउन फैक्ट्री, और वो चिमनियाँ जिसमें से धुआं ऊपर जाता है, वो उन फैक्ट्रियों की वो चिमनियाँ जो बंद पड़ी होती हैं फैक्ट्रियाँ, उनकी वो चिमनियाँ मैं देख सकता हूँ अपनी इस क्लासरूम की खिड़की से. आई एम ऑलवेज विलिंग टू टेक द रजिस्टर टू द ऑफिस और मैसेजेस टू अदर क्लासरूम फॉर देन आई कैन वॉक डाउन. मैं हर वक्त इसी क्यूरियोसिटी में रहता हूँ, इसी यही चाहता रहता हूँ कि मैं ये रजिस्टर्स जो हैं एक ये मैं ऑफिस तक ले जाऊँ. आई एम ऑलवेज़ विलिंग टू टेक द रजिस्टर टू द ऑफिस. मैं ये हर वक्त ये चाहता रहता हूँ कि मैं ये रजिस्टर्स ऑफिस तक ले जाऊँ, और मैसेजेस टू अदर क्लासरूम, या कोई भी मैसेज देनी हो तो वो मैं दूंगा दूसरी क्लासरूम में. कोई भी मैसेज पहुँचानी हो, कोई भी बात कहनी हो उनसे, तो वो मैं कहूँगा. फॉर देन आई कैन वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर एंड गेज वंस मोर थ्रू द बुक जैकेट्स जैकेट विंडोज ऑन टू वर्ल्ड्स आई हैव नेवर विजिटेड. ऐसे में मुझे मौका मिलेगा अगर मैं ये रजिस्टर्स एक क्लास से दूसरी क्लास तक ले जाऊँ, या क्लास से ऑफिस तक ले जाऊँ, या कोई भी मैसेज हो मैं दूसरी क्लास रूम तक पहुँचा दूँ, जिससे मुझे ये मौका मिले मैं इस लॉन्ग कॉरिडोर जो है इससे गुजर जाऊँ, और फिर से मैं इन जो इसमें ये हंड्रेड्स बुक्स थी मैं उनकी तरफ फिर से एक बार देखूँ, जो उनके वो पिक्चर जैकेट्स हैं उनमें मैं देख लूँ क्या है अंदर से. मैं यही क्यूरियोसिटी मुझे रहती है कि मैं किताबें देख लूँ जो, और इनके अंदर जो दुनिया है मैं उसकी सैर करूँ. ऑन द वर्ल्ड्स आई हैव नेवर विजिटेड, वो दुनिया जिसकी मैंने कभी सैर नहीं की, इनके अंदर क्या है मैंने कभी नहीं देखा.